हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग जो कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रू लव पार्ट टू। तो फर्स्ट आप जाकर इसका पहला पार्ट देख लीजिए, तभी आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी। वेल, कहानी शुरू होती है उसी सवाल से, याकिर अजीज ठीक होके तो आ गया अपने गाँव, लेकिन उसने अपने 7 साल कहाँ गुजारे थे और आखिर वो ठीक कैसे हुआ। जैसे कि हम जानते हैं, माही ने अजीज को शहर भेज दिया था। वहाँ पहुँचने पर उसके लिए वो जगह एकदम अलग सी थी। उसने पहली बार ट्रेन में सफर किया था, पहली बार खुद की आंखों के सामने उसने समुंदर देखा था। वहीं दूसरी ओर माहिर की पत्नी उसे अपने साथ अपने मोहल्ले में ले जाती है, जहाँ पे लोग अजीज को देखकर कुछ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे, लेकिन उसे तो यही लगता है कि शायद ये लोग उसे पसंद नहीं करते। पर इन सब बातों से परे वो दोनों की हंसी खुशी जगह पर रहने लगते हैं। लेकिन बार बार जोया को कुछ लोग बोलते थे कि तुम उसके लायक नहीं हो, और वो उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब इन सब वजहों से उसने अपने गाँव को छोड़ा था और यहाँ के भी ये लोग उसे सब परेशान करने में लगे हुए हैं। लेकिन माहिर के दोस्त को बस यही फिक्र रहती है कि आखिर वो कब तक ऐसे ही रहेगा। अगर वो कुछ कमाएगा नहीं तो उसकी शादी भी मुश्किल में पड़ सकती है। लेकिन अजीज इन सब बातों से अनजान समुंदर के किनारे घंटों घंटों तक खड़ा रहता है। पर जब वो घर आता है तो यही सेम चीज जोया भी उससे कहती है कि हम लोग कब तक दूसरों के पैसों से घर चलाएंगे, हमें खुद का कुछ करना होगा। अब समय बीत जाता और एक दिन माहिर वहां आता है और उसे देख कर सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं, खासकर उसका दोस्त सलीम जो उसके साथ बचपन से मौजूद था। अब यहाँ सलीम का एक थिएटर था जिसे वो बरसों से चला रहा है। माहिर उन सभी को बताता है कि अजीज दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन गरीबी की वजह से उसका कभी इलाज नहीं हो पाया, इसलिए वो आज तक ऐसा ही है। लेकिन किसी चमत्कार की तरह उसने बोलना और लिखना सीखा। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो जल्दी से चलना और दौड़ना भी सीख जाए। अब एक दिन सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब उसी दौरान अजीज को थिएटर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, क्योंकि सलीम अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन है और उसे एक दिन ज़रूर मिलना चाहेगा, यही उसकी विश है। यहाँ माइन ने अजीज़ को बताया कि अगर तुम्हारी वाइफ काम करती रहेगी तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ जोया काम करती रहे। माहिर उसे समझाता है कि दुनिया की सारी औरतों को काम करना चाहिए ताकि वो किसी और के भरोसे ना बैठी रहे। अब ये बात अजीज को समझ आ जाती है, इसलिए उस दिन के बाद जोया को कुछ नहीं कहता है। वही माहिर उसे वादा करता है कि वो उसे ठीक करके रहेगा, बस उसे हिम्मत नहीं हारनी है, इसलिए वो उसे हर रोज काम करवाता है ताकि उसकी हड्डियां धीरे धीरे करके खुलती रहे और वो ठीक होता रहे। अब एक रात माहिर की वाइफ उसे पूछती है कि आखिर जोया ने अजीज जैसे इंसान से कैसे शादी कर ली। तो माहिर उस दिन उसके बारे में सब कुछ बताता है जो उसने अपनी आंखों से देखा था। जब जोया के पिता ने उसका रिश्ता अजीज के साथ तय किया था, उनका कहना था कि उन्हें अजीज के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा किया क्योंकि वो दिल का बहुत ही अच्छा था। अब एक दिन जब सारी औरतें साथ में बैठकर काम कर रही होती हैं, तभी उसमें से कुछ औरतें जोया को बुरा भला कहने लगती हैं कि उसकी किस्मत खराब हो गई है उस आदमी के साथ शादी करके। लेकिन वो उसे जवाब देते हुए कहती है कि वो जैसा भी है मेरा पति है और मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहूंगी। ये बोल के वो उठ के जाने लगती है, तभी वहां अजीज आ जाता है जो उसके लिए एक तोहफा लेकर आया था, लेकिन जोया उसे लेके वहां से चली जाती है। अब ये सब माहिर की बीवी देख रही थी और उसे पता चल गया था जो माहिर कह रहा था। अब ये सब माहिर की बीवी देख रही होती है और उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उन औरतों को डांटती है और कहती है कि अगर उसने जोया से ऐसी बात दोबारा करी तो बहुत ही बुरा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जोया अजीज को लेकर समुंदर के किनारे जाती है और उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है, और यहाँ अजीज उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। जोया जानती है कि ये उसका बुरा वक्त है और ये भी गुजर जाएगा। अब एक दिन अजीज सलीम के थिएटर में जाता है, जिसे देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है कि ऐसी भी कोई चीज दुनिया में मौजूद है। लेकिन जब पर्दे पर फिल्म चलती है तो वो डर के मारे गिर जाता है। जब सलीम उसे सिखाता है कि असल में फिल्मों से डरा नहीं जाता बल्कि उसका आनंद लिया जाता है, उसे अपनी साइड वाली चेयर पर बैठा कर पूरी फिल्म दिखाता है। लेकिन जब वो वापस घर के लिए निकलता है तो कुछ बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं, और उसे ये बात अच्छे से पता थी कि उसे ही उन बच्चों से दोस्ती करनी पड़ेगी, इसलिए वो उन्हें कैंडीज भी देता है, लेकिन वो फिर भी उसे परेशान करते रहते हैं। तभी वहां जोया आ जाती है जो उसे घर में ले जाती है, पर यहाँ अजीज को पहली बार खुद के लिए बुरा लगता है। उसे खुद को शीशे में देखने में भी शर्म आ रही थी, और यहाँ पर हम उसे पहली बार रोते हुए देखते हैं। लेकिन अब उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ठीक होकर रहेगा और इस जालिम दुनिया को दिखा देगा कि वो एक अच्छा और समझदार इंसान है। अगले दिन वो माहिर के पास जाता है जो उसकी प्रैक्टिस करवा रहा था। माहिर उसे समुन्द्र में तैरना सिखाता है जिससे कि उसके दोनों हाथ हिलना शुरू हो जाए, पर इसमें अभी वक्त और मेहनत दोनों लगेगी। लेकिन मोहल्ले में अभी भी कुछ लोग बचे हुए थे जो अभी भी अजीज और जोया का मजाक उड़ाते थे। वो चाहते थे कि वो इस जगह को छोड़कर चले जाए, लेकिन जोया को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस यही सोच सोच के खुश हो रही थी कि अजीज उसके लिए ठीक होने की कोशिश कर रहा है।
वो जल्दी से ठीक हो जाएगा और इस दुनिया को दिखा देगा कि प्यार में कितनी ताकत होती है। अजीज अब पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा था ताकि घर आने पर उसे जोया के हाथों से मसाज मिल सके, जो उसे बहुत ही पसंद भी है। उसकी मेहनत देखकर मोहल्ले के सभी लोग खुश भी होते हैं, खासकर माहिर, जिसका कहना था कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। वहीं सलीम ने अब उसे थिएटर के टिकट काउंटर में नौकरी भी दे दी है, लेकिन वहां भी कुछ लोग उसे परेशान करने आ जाते हैं। और तब वहां पर जोया टिकट लेने आती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है, जिसके बाद वो उसे फिल्म में दिखाता है और सेम जोया को उसी तरह से संभालता है जैसे उसको सलीम ने पहली बार संभाला था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अभी भी कुछ लोग थे जो जोया और अजीज को नापसंद करते थे, और उन बच्चों के लिए हर रोज कैंडी लाता था, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरने वाले थे। और यहाँ एक बच्चा अपने घर से उसके ऊपर पानी फेंक देता है। अब ये देखकर जोया अपना आपा खो देती है और वो उसे बहुत सुनाती है। लेकिन तभी उस बच्चे के पिता आ जाते हैं और उल्टा जोया पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम मेरे बच्चों को क्यों डांट रही हो, पहले अपने पति को संभालो। और ये सब देखकर अजीज को लगने लगता है कि खोट शायद उसी में है, इसलिए ये लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसलिए वो भागते हुए सबसे ऊंचे वाले पहाड़ पर जाता है और फैसला कर लेता है कि वो आज यहाँ से कूद कर अपनी जान दे देगा। लेकिन यहाँ एक बार फिर से माहिर उसके लिए फरिश्ता बनकर आता है और उसे हौसला देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ अजीज सच्चाई जानता है, वो बहुत गुस्से में बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं एक अपाहिज हूँ और कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो माहिर उससे कहता है कि अपाहिज तुम नहीं हो बल्कि ये दुनिया वाले हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं, जो तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं उन बच्चों को समझाऊंगा। दुनिया क्या सोचती है ये सोचना छोड़ दो। और उस दिन के बाद से अजीज और मेहनत करने लगता है, उसे जल्द से जल्द ठीक होना था। लेकिन उसे पहले माहिर उसे एक तोहफा देता है, वो उसके एक बार फिर से जोया से शादी करवा कर, लेकिन इस बारी पूरे धूमधाम से, जिसके बाद उसके अंदर और जुनून आ जाता है खुद को ठीक करने का। अब एक दिन माहिर आकर उसे बताता है कि जोया की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हम लोगों को उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। अब ये सुनकर वो रोने लगता है, लेकिन तभी माहिर उसे सच बताता है कि जोया माँ बनने वाली है, जिसे अजीज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बहुत ही खुश था। भागते हुए समुन्दर के किनारे जाता है और ऊपर देख कर तेज तेज चिल्लाने लगता है, लेकिन इस बारी वो ऊपर वाले से शिकायत नहीं बल्कि उनका शुक्रिया कर रहा था। अब इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए माहिर और उसके दोस्तों ने अजीज को वेकेशन पर ले जाने का प्लान बनाया था, जहाँ जाकर वो सभी लोग खूब मस्ती करते हैं। अब वापस आने के बाद वो पिछली बारी से और ज्यादा मेहनत करता है ताकि जब उसका बच्चा उसे देखे तो वो पूरी तरह से ठीक हो। अब कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन सभी लोग सलीम के थिएटर में जाते हैं, जहां वो अकेला बैठा एक लड़की की तस्वीर देख रहा था। ये असल में सकीना थी, जिसे वो पिछले 40 सालों से प्यार करता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसे शहर को छोड़कर जाना पड़ा, और तब से आज तक वो उसका इंतजार कर रहा है और हर रोज उसकी तस्वीरें देखकर उसे याद करता है। सलीम का कोई परिवार नहीं है, लेकिन अजीज कहता है कि वो घबराए नहीं, हम लोग उसके साथ हैं। और ये सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम कुछ बच्चों को समुन्दर के किनारे खेलते हुए देखते हैं, तभी उसमें से एक बच्चा पानी में गिर जाता है और ये अजीज देख लेता है। वो भागते हुए जाता है, पानी में कूद जाता है, हालांकि ना तो उसे तैरना आता और ना ही उसके अभी हाथ पैर सही हो पाए हैं, लेकिन वो फिर भी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। अब वो बच्चा तो बच जाता है, लेकिन अजीज पानी में ही फंस जाता है। अब यहाँ उसकी जान जाने वाली थी, लेकिन सही मौके पर अली आकर उसे बचा लेता है। और अगले दिन उसकी इस बहादुरी की न्यूज अखबार में छपती है, जिसे वहाँ के सभी लोग पढ़ते हैं। और जिस लड़की की जान अजीज ने बचाई थी, वो उस आदमी का बेटा था जो अजीज को डांटता रहता था, और आज वो अजीज के सामने आकर उसे माफी मांगता है जो उसने उसके बेटे की जान बचाई। अब धीरे धीरे अजीज ने यहाँ पर सभी लोगों से दोस्ती कर ली थी। और इधर दूसरी तरफ सलीम अब उसे प्रोजेक्टर चलाना भी सिखाता है, लेकिन तभी उसे न्यूज मिलती है कि जोया अब अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। तो वो फौरन हॉस्पिटल जाता है और वहाँ एक और चमत्कार होता है। जैसे ही अजीज अपने बच्चे को हाथ में उठाता है, उसका फेस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे, लेकिन यही शायद ऊपर वाले का करिश्मा था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अजीज सीढ़ियाँ चढ़ना भी सीख रहा था ताकि उसके पैर जल्दी से ठीक हो सके। उसने अब तैरना भी सीख लिया था। अजीज अब खुद की खुशी के लिए साथ उस मोहल्ले वालों की खुशी का भी ध्यान रखता था। अब एक दिन जब वो घर लौट रहा होता है, तो वो देखता है कि एक घर में एक बच्चे को रस्सियों से बांध कर रखा हुआ है, जो सेम उसकी तरह ही था। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपने दोस्तों से कहकर पूरे मोहल्ले में एक खबर फैला देता है कि वो थिएटर में उन लोगों को फिल्म दिखाना चाहता है जो बीमार या फिर मेंटली डिसेबल है, क्योंकि वो उनको वही खुशियां देना चाहता था जो उसने अभी तक महसूस की थी। अब सभी लोग थिएटर आते हैं और एक साथ बैठकर पिक्चर को एंजॉय करते हैं।
और तभी उसी दौरान थिएटर के बाहर सलीम को एक कार दिखती है जिसमें से सकीना बाहर आती है और ये देखकर वो पूरी तरह से हिल जाता है। वो फौरन बाहर आता है और सकीना उसे पहचान लेती है। सलीम तो बस उसे देखता ही रहता है और उसे ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे 40 साल बाद उसके चेहरे पर नूर वापस आ गया हो। वो सकीना को थिएटर में लगी पिक्चर दिखाने ले जाता है लेकिन तब सलीम की गैर हाजिरी में अजीज उस प्रोजेक्टर को चलाता है जिसे देखकर सलीम को उस पर बहुत ही गर्व महसूस होता है। अब इसी तरह से एक साल बीत जाता है। अजीज अब कई हद तक पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। वहीं सलीम सभी लोगों को बताता है कि अब वो सकीना के साथ शहर जा रहा है। वो अपनी बाकी की जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है इसलिए उसने फैसला करा है कि वो अपना थिएटर अली और अजीज को सौंप देगा। अब ये सुनकर सभी लोग बहुत शौक होते हैं लेकिन सलीम का कहना था कि उसके जाने पर कोई दुखी ना हो बल्कि खुशी मनाई जाए क्योंकि उसने खोया हुआ प्यार वापस पा लिया है। उस दिन वो आखिरी बार अपने थिएटर में पिक्चर देखता और फिर सबको अलविदा कहकर चला जाता है। और कुछ समय में ही अली और अजीज ने उस पूरे थिएटर को बदल कर एक नए थिएटर में कर दिया था जिसे वहां और भी लोग आने लगते हैं। समय और बीतता है और अब जोया ने एक और बच्चे को जन्म दे दिया था। कुछ इस तरह से पूरे 7 साल बीत गए थे जिसमें जोया का प्यार और माहिर की मेहनत दोनों शामिल थे। उन्होंने आज अजीज को इस कदर ठीक कर दिया है कि अब लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। वो अपने गांव आ गया है अपने पूरे परिवार के साथ लेकिन उसका कहना था कि उसके परिवार वाले अब शहर चले क्योंकि इस गांव को कोई जानता नहीं है और ना ही उन्होंने बाहर की दुनिया देखी है। लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि उन्हें यही रहना है पर वो अपने भाइयों को कुछ गांव वालों को ले जा सकता है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और फिर बस से सभी लोग शहर पहुंचते हैं जहाँ पे अजीज उनको सबसे मिलवाता है। और इसी मुलाकात में अजीज के भतीजे मुस्तफा ने माहिर की बेटी बैरन को देखा और यहाँ उन दोनों में पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते रहते हैं। इधर अजीज और जोया का प्यार अब और बढ़ने लग गया था। उसका कहना था कि जोया जैसी लड़की इस दुनिया में बहुत ही कम है। जोया ने वजह होते हुए भी अजीज का साथ कभी नहीं छोड़ा और इसके लिए वो उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं दूसरी ओर जोया को पता चल चुका था कि बैरन और मुस्तफ़ा एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो उन दोनों की बातें करवाती है। लेकिन एक दिन मुस्तफ़ा के पिता उसे बैरन के साथ देख लेते हैं और सबके सामने उसे चाटा मार देते हैं क्योंकि वो माहिर के परिवार के सामने बहुत ही छोटे थे। लेकिन तभी वहाँ पर माहिर आ जाता और उसे कहता है कि उन दोनों ने कोई गुनाह नहीं किया है। ये अच्छी बात है कि मुस्तफ़ा बैरन से प्यार करता है और ये देखकर हमें पता चलता है कि माहिर दिल का कितना अच्छा है। वल्कानी आगे बढ़ती है और एक दिन माहिर अपनी पत्नी के साथ शहर से वापस आ रहा था। वो खुशी खुशी उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि बैरन की शादी मुस्तफ़ा से हो लेकिन उसके नसीब में कुछ और लिखा था क्योंकि तभी सामने से एक ट्रक आती है जिससे कि उसकी कार की टक्कर हो जाती है जिसमें दोनों को बहुत ही गहरी चोट आती है पर उसकी पत्नी को ज्यादा चोटें नहीं आती। लेकिन वहीं डॉक्टर बताते हैं कि माहिर का पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। वो अब कभी भी उठ नहीं पाएगा और ये खबर जब अजीज को पता चलती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये खबर सभी को उदास कर देती है। अब एक दिन अजीज के माता पिता माहिर से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। उनका कहना था कि वो उनके साथ गांव चले लेकिन अजीज ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अब उसका ख्याल वो खुद रखेगा सेम उसी तरह से जैसे माहिर ने उसे इतने सालों से संभाला था। मगर माहिर नहीं चाहता कि अजीज या फिर कोई और भी उसका ख्याल रखे क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। लेकिन अजीज अपने गुरु को ऐसी हालत में छोड़ कैसे सकता है। वो अपनी पूरी जान लगा देता है उनकी सेवा करने में। अब समय चल रहा है 1972 का। अजीज अब बिल्कुल ठीक हो गया है लेकिन वही माहिर ने व्हीलचेयर पकड़ लिया। उसे इस बात का डर है कि उसके जाने के बाद उसका परिवार का ख्याल कौन रखेगा लेकिन अजीज उसे वादा करता है कि वो उसके परिवार को कोई कमी होने नहीं देगा। वो ये भी बताता है कि उसने अपने बेटे का नाम माहिर रखा है ताकि वो बड़े होकर आपके जैसा ही बन सके। अब एक दिन डॉक्टर बताते हैं कि अब माहिर ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा इसलिए आप सभी लोग उसके लिए तैयार रहना होगा। तब अजीज माहिर के घर के बाहर उन सारे लोगों को इकट्ठा करता है जिसकी मदद माहिर ने कभी न कभी जरूर की थी। वो सभी लोग उसके सामने आकर उसे शुक्रिया कहते हैं जिसे देखकर माहिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कुछ समय के बाद सलीम वापस अपने शहर आता है और अपने अच्छे दोस्त की ऐसी हालत देखकर खुद के आंसू रोक नहीं पाता। वो वहीं रो देता है लेकिन जब वो अजीज को बिल्कुल ठीक देखता है तो उसे गले से लगा लेता है। उसी दौरान माहिर अजीज से अपनी आखिरी विश बोलता है जो कि थी उसकी बेटी बैरन की शादी। वो बैरन की शादी खुद के सामने होते हुए देखना चाहता था और तब उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अजीज सारी ताकत लगा देता है। अब उसी दौरान जब दोनों एक कमरे में बैठे होते हैं तो अजीज माहिर से कहता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने आपको पहली बार अपने गाँव में आते हुए देखा था। मुझे लगा शायद कोई खुदा का फरिश्ता आया है। दुनिया में कितने गाँव हैं लेकिन आप हमारे गाँव में आए।
अपने सारे दरवाजे मेरे लिए खोल दिए जो बाकी लोग खोलने से डरते थे। आपने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मुझे ऐसी जिंदगी दी जो मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। ये बोलते हुए वो रोने लगता है क्योंकि आज वो अपने टीचर के लिए कुछ कर नहीं पा रहा, वो पूरी तरह से लाचार है। वह अगले सीन में माहिर की मौजूदगी में उन दोनों की शादी हो जाती है। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर उनकी बेटी रोने लगती है। उसी बीच माहिर अजीज के कानों में कहते हैं कि उसे समुंदर देखना है, तो वो उसे लेकर बाहर आ जाता है और दोनों समुंदर किनारे बैठ जाते हैं। वक्त ने भी कितनी बुरी करवट ली है। एक दौर था जब अजीज की हालत कुछ इसी तरह की थी, तब माहिर ने उसे सहारा दिया था और आज अजीज उसे सहारा दे रहा है। इसलिए कहते हैं कि वक्त की कदर करिए, क्या पता कल क्या हो जाए। अब माहिर समुंदर को निहारते हुए अपने दोस्त के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। वो आज वो फरिश्ता अपने मालिक के पास चला गया था और इसी तरह से ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 500 कमेंट का। वेल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।